और सिताइश बनाने लगे हैं जार, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल तैयार कर लिया है, अब इसमें मैंने पानी डाला और थोड़ी सी ग्लू डाली है, और ग्लू और ज़्यादा डालूँगी। और ये सारे पेपर्स जो हैं फाड़ के रख लिए हैं, और ये सारे पेपर्स इस ग्लू वाले पानी के अंदर मैं डालूँगी, जो है मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्लू ना इसी तरह बोतल में बना कर रखी थी पानी वाली, क्योंकि मुझे चाहिए था, तो ये मैंने रात को ही ना ऐसे बना कर रख ली थी कि सुबह उठ के तो मैं सीधा वर्क स्टार्ट करूँगी बनाना। तो इस तरह से अब ये जार है मेरे पास, ठीक है। तो हम फ्लावर जार्स बनाने लगे हैं, और इसमें चीज़ें भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं एक नहीं, अभी तो आपको एक दिखा रही हूँ, एक बनाकर दिखाऊंगी, दो मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। तो सारे पेपर्स को डालेंगे, स्टाइश वन बाय वन डालो बेबी, ठीक है। तो फिर ये सारे पेपर्स इसमें डालकर ये अच्छे से जब डिप हो जाएंगे तो फिर हम लगाएंगे बॉक्स के ऊपर। स्टाइश लगा रही है वन बाय वन इस तरह से, तो सारे बॉक्स को इस तरह से हम लगा लेंगे, तो आपको लगाने के बाद। तो मेरे जार सूख कर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इन्हें ना ओवरनाइट रखा था, सुबह ये मैंने उठा के लेकर आई हूँ, तो ये सूख चुके हैं। अब इसके ऊपर करूँगी वाइट पेंट, और वाइट पेंट के बाद आपसे मिलते हैं। वाइट पेंट के बाद हमने किया है इसके ऊपर येलो पेंट, रेड और वाइट क्ले का, सॉफ्ट क्ले का इस्तेमाल किया है। स्ट्रॉबेरीज बनाई हैं, ठीक है। वो ग्रीन सॉफ्ट क्ले ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए फिर मैंने वाइट का इस्तेमाल किया। और इसको मैंने मार्कल से पेंट कर दिया है, और एक रह गया है, इसको भी मैं मार्कल से पेंट करके फिर इसके ऊपर लगाऊंगी। पहले मैंने इसको वाइट पेंट किया, फिर इसके ऊपर येलो पेंट किया। तो अब इसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरीज लगाने लगी हूँ, जो मैंने सॉफ्ट क्ले से बनाई है। और के ऊपर मैंने ये वाइट कलर के लीव्स का इसको स्टाइल दिया, ठीक है। वाइट क्ले के ऊपर ग्रीन पेंट करूँगी। स्ट्रॉबेरी वाला भी तैयार हो चुका है, मैंने ये आप देख रहे होंगे गीला गीला पेंट इसके ऊपर किया है। ग्रीन क्ले मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने फिर ब्राउन क्ले लगा कर ये ग्रीन पेंट कर दिया। ये स्ट्रॉबेरीज है, अच्छा लग रहा है ना, स्ट्रॉबेरीज अच्छी लग रही हैं। एक ये और एक ये, और ये दोनों ही देखें तो सूख चुका है बहुत अच्छे से। इसके ऊपर भी मैंने पेंट किया था ग्रीन, फिर मार्कल से मैंने इसके ऊपर ऐसे थोड़ी लाइंस बना दी, और ये इसके ऊपर मैंने पर्पल पेंट किया, पर्पल और थोड़ा रेड का टच इसे दिया, ताकि ये सही अच्छे से ग्रेप्स लगें, ठीक है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसमें आप कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं। ये जार बने हुए हैं, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ें जो आप फ्लावर्स रख सकते हैं, भी आप रखना चाहें वो आप इनमें रख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस ये क्राफ्ट वाली पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें। तो कमेंट भी ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं कि मैं क्या बनाऊं आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।